अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे के किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है जमीन भाई, टीएमसी का जो हॉस्पिटल है अजमल खान हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई है शराब नाशनी, और इसको लेकर काफ़ी जो है हंगामा मचा हुआ है। आज विधायक जो है चंद्रवाड़, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आपने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या बताएंगे। इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप तमाम जो पत्रकार भाई लोग यहाँ मौजूद हैं उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि जो हादसा हुआ परसों, वो हमारी एक बहन थी जो मरहूम नाज मीन कुरैशी, जिनकी एज थी 27 साल की। अल्लाह ताला से सबसे पहले मैं दुआगों हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उस बहन की मौत पे पूरा शहर बहुत पीड़ित है, हम सब लोग बहुत ही फिक्रमंद हैं, और जो ये हादसा हुआ उस हादसे के बारे में आपके माध्यम से बताना बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे जो आयुक्त महोदय हैं अभिजीत बांगर साहब जी, साहब ने जब से वो थाने में आए हैं बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया और कर रहे हैं। लेकिन सर को मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि सर, ये जो पीड़ित हमारी बहन का जो हादसा हुआ, जो हमारे बीच अब नहीं रह गई, आज जब उनके जो परिवार के लोग थे, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएँ और बहुत सारे लोग वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, तो जो उनके परिवार से हम लोगों ने मुलाकात किया, उनके हस्बैंड थे जिनका नाम करीम कुरैशी था, उस बच्चे से मिले जो बच्चे की माँ दुनिया से चली गई, उस पूरे परिवार से मिले, हकीकत में दिल दहल गया अश्विन भाभी। उस हस्बैंड ने, उस भाई ने एक बात कही कि जब हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, उस वक्त हमारी जो बहन थी जिसको डिलीवरी का केसेस था, वहाँ पे जब वो लोग गए तो वहाँ पे जो गायनेक डॉक्टर शीतल पाटिल मैडम को होना चाहिए था, हम बता दें आपके माध्यम से कि ऑन कॉल उनको आना चाहिए था, लेकिन वो ऑन कॉल नहीं आई। ये बातें हम बताना चाहते हैं आयुक्त महोदय साहब को भी हमारे, कि वो ऑन कॉल नहीं आई। और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसका नाम था टकले, वो टकले भी वहाँ पे आधा घंटा ऑन, वो भी ऑन कॉल थे, आधे घंटे तक वो भी नहीं आए। तो खैर, ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, हमारी बहन को अल्लाह ताला को ज़िंदगी वहीं तक मुकर्रर थी, हमारे बीच से चली गई वो, लेकिन वो 3 साल की बच्ची और वो हस्बैंड, वो परिवार कि जो आज हालत हम लोगों ने देखी है या 2 दिन से देखते हुए आ रहे हैं, हकीकत में दिल दहल गया। तो ये जो डॉक्टर गायनक जो शीतल पाटिल मैडम हैं, हम तमाम शहरवासियों की तरफ से, कल हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी इसके लिए मांग किया है, और हम सब लोग उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए ये कहना चाहते हैं, आज भी हम लोगों ने ये बात हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से भी की है, कि शीतल मैडम के ऊपर, जो डॉक्टर शीतल पाटिल मैडम हैं और एम्बुलेंस ड्राइवर टकले के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आयुक्त साहब इसके ऊपर बहुत जल्द इनको, जो इन्होंने जो जो इनकी कंप्लेन आई है उसको सीरियसली ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए, हमारे बीच में यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर्स जफर भाई बैठे हैं, नेहा मैडम बैठी हैं, हमारी भाभी हफीजा नाइक साहब की बेटी हैं, वो यूटी की प्रेसिडेंट भी हैं, और हमारी नगर सेविका अश्विन भाभी बैठी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जफर भाई मेरे कॉन्टेक्ट में बरोबर थे,
और मुझे बता रहे थे कि शमीम भाई अभी ऐसा हुआ शाहरुख यहाँ मौजूद है। रात के टाइम पे मेरे को शाहरुख का फ़ोन आया कि अंकल ऐसा ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद हम लोग कालशिकर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे जा कर के उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे जब मुलाकात हमारी हुई तो वहाँ पे ये हो गया था कि बच्ची वहाँ पहुँचने के पहले ही डेथ हो चुकी थी। हम ये समझते हैं अश्विन भाभी अगर वक्त पे उसका ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद वो बहन हमारे बीच में होती और आज वो जो दो दिन की बच्ची है बिना माँ के तड़प रही है, उसका बाप उसके पिताजी जो करीम भाई हैं वो उसको हॉस्पिटल ले जा कर के उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ कि शायद आज ये हालात नहीं होती, इसके लिए इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस्लामुद्दीन भाई आपने परसों एक न्यूज़ चलाई थी जो मुझे जबर भाई ने रात में दिखाया था कल, उसमें आपने ये कहा कि ये एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी है इस एम्बुलेंस का ड्राइवर था, इस एम्बुलेंस का ये था। इस्लामुद्दीन भाई ये वो एम्बुलेंस है जो जबर भाई कोरोना काल के अंदर, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा काम की, लेकिन कोरोना काल के अंदर जब एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी तो उस वक्त ये प्राइवेट एम्बुलेंस है। ये एम्बुलेंस को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमारे शहर के लिए डोनेट किया था और ये प्राइवेट एम्बुलेंस चलती है। इसके अंदर एक प्राइवेट डॉक्टर एक होता है जो एम्बुलेंस को चलाता है। कुछ लोगों ने ये माल बेचने की कोशिश किया ये एम्बुलेंस होती, ठीक है वो एम्बुलेंस को भी जहाँ पे ऑन कॉल होता है तहाँ वो एम्बुलेंस पहुँचती और वो एम्बुलेंस पूरे शहर के लिए अश्विन भाभी खिदमत खल का काम करती है, कोई चार्ज नहीं लेती है। लेकिन वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी उसका नाम टकले है और टकले वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचे, इसके लिए टकले पे और शीतल मैडम पे एक्शन लेना चाहिए। आज कुछ लोग ये कह रहे थे, दो तीन लोग, कि बोले वो डॉक्टर शर्मिंडा के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो उन्हें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर शर्मिंडा और डॉक्टर मुमताज शाह ये ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कोविड के अंदर अपनी जान हथेली पे रख करके कोविड के अंदर काम किया है। जिस कोविड हॉस्पिटल को जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब महाड़ा के हाउस मिनिस्टर जब हाउसिंग मिनिस्टर थे वो, तो महाड़ा की तरफ से ये इसको यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज को दिया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से लोग आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। डॉक्टर शर्मिंडा की ड्यूटी मॉर्निंग में 10:30 को स्टार्ट होती है और वहाँ पे ये जो हादसा हुआ वो सुबह 8 बजे हुआ। तो कोई ज़बरदस्ती का किसी के ऊपर तोहमत लगाने की कोशिश मत करे, ये सब चीज़ें गलत है। और इसके अंदर ज़बरदस्ती की बातें करके कि वो डॉक्टर शर्मिंडा तो फला एम्बुलेंस तो फला ये फला वो ये सब बातें गलत है। हाँ, जो दोषी है दोषी को छोड़ा ना जाए, इस तरीके से हम तमाम शहरवासी मांग करते हैं आयुक्त साहब से। और कल कुछ एक डेलीगेशन ने जा करके हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब, और जिस वक्त ये मामला हुआ हॉस्पिटल के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे, तो वहाँ पर जफर भाई भी थे, जिसके बाद जफर भाई से और किसी के बीच में विवाद हो गया, क्या पूरा मामला था और क्यों विवाद? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं, चंद एक दो लोग हैं शहर में जिनका काम है कि कभी किसी गमी के अंदर जा करके उसके परिवार के साथ मिल करके और उनको तसल्ली देना या उनको बातें करना, उनको समझाना या उस पेरेंट्स की या सॉरी उस जो फैमिली के लोग हैं उस परिवार की मदद करना। बल्कि कोई एक लड़का था, मैं उसको जानता भी नहीं और उसका नाम लेके बोलना भी नहीं चाहता हूँ, कि कोई एक लड़का था जो वहाँ पर गलत कमेंट्स कर रहा था, तो उसको जफर भाई ने बखूब अपने तरीके से जवाब दिया। और मैं तो ये बोलता हूँ कि उसको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है जबर भाई ने, लेकिन ठीक है जो किया अच्छा है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम है कि ज़बरदस्ती का आकर के कोई मामला चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो उसको बल्कि कामयाब करना और उसको एक ताकत देने के अलावा किसी पे कमेंट्स करना, किसी पे झूठा ब्लेम करना, वो कहता है कि आप कहाँ थे जफर भाई को, मैं उसको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जफर भाई फर्स्ट डे से जब ये हादसा हुआ तो जफर भाई उस वार्ड के वहाँ के मुकामी नगर सेवक भी हैं, सिराज डोंगरे साहब हैं, नेहा मैडम है यानी भाभी हमारी हफीजा नाइक साहबा है, जावेद मेडिकल है, ये लोग शाहरुख सैयद है, ये लोग वहाँ पर फुल टाइम पूरी ताकत से लगे हुए थे। और वो कहाँ थे जो बातें कर रहे थे, ये सब गलत बात है। मैं इन सब बातों को
एकदम यही कहना चाहता हूँ कि जब बात हमारे शहर की आए, जब बात हमारे किसी एक फैमिली को इंसाफ दिलाने की आए, आज उनके शौहर ने, करीम कुरैशी ने जो बातें कही, इस्लामाबाद में वहाँ मौजूद थे आप, उसने कहा जितेंद्र रावत साहब से कि हमें सिर्फ इंसाफ दिलाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। नहीं, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब से ये मांग करता हूँ कि ये डॉक्टर शीतल मैडम और ये टकले के ऊपर जो भी एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जो भी थे, अगर मुझे कहीं किसी के नाम बोलने में मिस्टेक हो रही हो तो, जो भी ऑन ड्यूटी एम्बुलेंस ड्राइवर था उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और उसके परिवार के लोग जो हैं, जो बहुत दुखी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, शायद जवर भाई, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो बेचारा रिक्शा ड्राइविंग करता है, लेकिन वो एक बात कह रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ, हम सबको दुख हुआ, वो कह रहे थे कि हमें कोई भी तरीके की पैसे की मदद नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो जो जो लोग कल उसमें थे, शामिल थे, आज डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस परिवार को सबसे पहले इंसाफ मिले, तो हम समझेंगे कि हमारी एक बहन को जो हमारे बीच नहीं रही उसको इंसाफ मिला। और ये भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऑन कॉल नहीं, बल्कि आयुक्त महोदय से मैं एक मांग करता हूँ कि सर, ये हॉस्पिटल गायनक है, ज़्यादा करके डॉक्टर जौहर भाई यहाँ ज़्यादा पेशेंट गायनक के आते हैं, और वहाँ पे जो है, जैसे एक जो उनका टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के हिसाब से, जैसे किसी का टाइमिंग मॉर्निंग 8 से शाम 8 बजे तक का होता है, तो उसके बाद रात में 8 बजे के बाद से लेकर के सुबह 8 बजे तक एक डॉक्टर्स वहाँ पे गायनक का होना चाहिए। ऐसा अश्विन भाभी हम लोग मांग करते हैं आयुक्त साहब से। और ये प्राइवेटेशन होना, ये होना नहीं होना बात की बात है, हम उस पर कोई बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि सर, ये जो हॉस्पिटल है बहुत सुंदर बनाया है आपने, बहुत खूबसूरत बनाया है आपने, लेकिन उसके अंदर का जो अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो जो टीम वर्क है, जो काम करती है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आके सिर्फ साइन करते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे टाइम पे ड्यूटी नहीं करते हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू हुआ है डॉक्टर की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। आप अगर इसको पूरी बात को अगर ध्यान रखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ही गलती है। वहाँ पर अगर डॉक्टर अवेलेबल रहती, जगह पे रहती, वो ऑन ड्यूटी अगर उसका काम करती तो शायद ये जो हादसा हुआ ये न होता था। और जो एम्बुलेंस वाला है वो ड्राइवर का काम था, जो टीएमसी की एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस वक्त पे काम आती है नहीं आती है ये एक अलग इशू है, लेकिन जो टीएमसी की है, जिसको टीएमसी का पेमेंट मिलता है हर मंथली, वो पगार लेता है, तो उसकी वो आदमी की जिम्मेदारी है कि उस जगह पर 24 आवर उसने बैठना चाहिए। वो ड्राइवर वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जो डॉक्टर को उसकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे रहना, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ है। हॉस्पिटल में कोई भी कोताही नहीं होती है, जो टीएमसी फैसिलिटी दे रही है वो पूरी पूरी प्रोवाइड की जा रही है, किसी की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में खिलवाड़ जो किया वो डॉक्टर ने किया है, और इसकी गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उसको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। सर, आपका